गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट टॉपिक में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस बेसिस पढ़ा है और उसमें हमने मेटल ऑक्साइड्स को डिस्कस किया था, जो हमारे पास लुइस बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को हमने डिस्कस किया था। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हमें जो अभी डिस्कस करना है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, लुइस बेसिस, लुइस एसिड, सॉरी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लुइस एसिड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो जब हम लुइस एसिड की बात करते हैं, लुइस एसिड कौन से होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं? सो लुइस एसिड कौन है? लुइस एसिड इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लुइस एसिड कौन से होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं? और जो लुइस एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको हम तीन फैक्टर के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। जो तीन फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन क्या है? इंडक्टिव फैक्ट। सेकेंड इज रेजोनेंस एंड थर्ड इज स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट। सो हम पहले डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लुइस एसिड, लुइस एसिड में इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास है BF3 है, मेरे पास क्या है BF3 है, और BF3 की मुझे एसिडिटी बतानी है कि इसका लुइस एसिड करैक्टर कैसा है। एक मेरे पास BF3 हो गया, एक मेरे पास BH3 हो गया, और एक हो गया मेरे पास BCH3 थ्राइस। मिस मैंने बोरेन में से हाइड्रोजन को फ्लोरिन से रिप्लेस कर दिया और H3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। मिस इंडक्टिव इफेक्ट है, किसी का प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। और लुइस एसिड कैसे होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अगर वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है सो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इनमें से मेरे पास तीन मोलिकूल है, एफ कैसा होता है, एफ का क्या इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। और CH3 का क्या है? प्लस आई इफेक्ट। CH3 का कैसा है? प्लस आई इफेक्ट है। फ्लोरिन का माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट BF3 पे क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट जब इस पे लगेगा, यहां पे फ्लोरीन है, जैसे इसके पास तीन फ्लोरीन है, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो बोरोन पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और जब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो उसका जो लुइस एसिड करैक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस सो लुइस एसिड, मैं एरो लगा रहा हूँ सिर्फ कि उसके लिए जो लुइस एसिड करैक्टर है उसका वो इंक्रीज कर जाएगा। बोरोन, बोरोन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है, कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन CH3 की अगर मैं बात करता हूँ, CH3 कैसे इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। और ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजिली इंक्रीज करेगी, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसका जो लुइस एसिड करैक्टर है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। सो लुइस एसिड करैक्टर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। सो अगर मैं लुइस एसिडिटी का ऑर्डर की बात करूं सो इसका ऑर्डर ये रहेगा, BF3 का सबसे ज़्यादा लुइस एसिड करैक्टर, देन BH3, देन BCH3 थ्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ।
आपको ये हमेशा ध्यान रखना है जब आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, लुईस एसिड करेक्टर को इंक्रीज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो लुईस एसिड करेक्टर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और जो जिस पे ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी जो लुईस एसिड करेक्टर है उसको हम उसके ऑक्टेट के बेसिस पे देखेंगे कि उसका जो ऑक्टेट कंप्लीट है वहाँ पे या वो फुली फील्ड है। सो ये तो हो गया हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आप इसी तरह से जो सब्स्टिट्यूएंट उसके पास लगे हैं उसके बेसिस पे उसकी एसिडिटी और बेसिटी को वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट इज रेजोनेंस। अब हम रेजोनेंस के बेसिस पे देखेंगे कि जो उसका लुईस एसिड करैक्टर है वो किस तरह से वेरी करेगा। अब हमें बात करनी है रेजोनेंस के बेसिस पे, हम बात करते हैं। रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं, रेजोनेंस जो लुईस एसिड करैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, जो हमारे पास बोरोन एसिड्स हैं या हेलोबोरेन्स हैं, हेलोबोरेन्स जैसे मेरे पास BF3, BCl3, BR3, ये डिफरेंट टाइप के बोरेन हैं, एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन, एक में बोरोन है। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बात करूं, सबसे ज्यादा लुईस एसिड करैक्टर किसको होगा, BF3, देन BCl3, देन BR3 अकॉर्डिंग टू -I इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट के बेसिस पे जो लुईस एसिड का जो ऑर्डर रहना चाहिए वो ये ऑर्डर होना चाहिए कि BF3 का लुईस एसिड करैक्टर सबसे ज्यादा होगा, देन BCl3, देन BBr3, BCl3, देन BBr3। लेकिन एक्चुअल में जो इसका ऑर्डर है ये क्या है, इनकोरेक्ट है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है, एक्चुअल ऑर्डर क्या है, BBr3 अपोजिट है BCl3 BF3। जो BF3 है वो सबसे वीक लुईस एसिड है, ना कि स्ट्रोंग, इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की, यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। अब रेजोनेंस इफेक्ट की हम कैसे हेल्प लेते हैं, बोरोन और ब्रोमिन, बोरोन और क्लोरिन, बोरोन और फ्लोरिन। सबसे पहले मैं BF3 को एक्सप्लेन करता हूँ आपको। BF3 में क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह से है BF3 का, फ्लोरीन, फ्लोरीन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। फ्लोरीन के पास भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है, और बोरोन के पास भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के पास भी 2p ऑर्बिटल है और बोरोन के पास भी क्या, वहां पे 2p ऑर्बिटल है। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, बैक डोनेशन होती है। फ्लोरीन क्या करता है, बोरोन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि 2p 2p ऑर्बिटल में जो 2p 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो इजिली हो जाता है, क्योंकि 2p 2p बोरोन और 2p फ्लोरीन कहां से हो रहा है, फ्लोरीन टू बोरेन हो रहा है। वहां पे जो दोनों ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, ऑलमोस्ट सेम है। वो क्या है, सेम एनर्जी की ऑर्बिटल हैं दोनों। यहां पे जब फ्लोरीन बोरेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पाई बैक बॉन्डिंग से, यहां पे होती क्या है, पाई बैक बॉन्डिंग। यहां पे क्या होती है, पाई बैक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि जो बोरोन की जो 2p ऑर्बिटल है इस तरह से, यहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। उससे क्या होता है कि जो बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो
इंक्रीज हो जाती है, और जब बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो लुईस एसिड करैक्टर क्या होगा उसका, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन ब्रोमीन और क्लोरीन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, 3p ऑर्बिटल है, और ब्रोमीन क्या है, 4p ऑर्बिटल है। वहाँ पे जो ऑर्बिटल का इवन साइज और जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो मिसमैच कर जाती है। सो यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होती, ये बैक डोनेशन नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, एज कम्पेयर टू अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ। सो इसीलिए इन द केस ऑफ हेलोबोरेन्स BF3BCl3BBr3 The order of their Lewis acid character is explained on the basis of resonance. हम उसको सिर्फ resonance के basis पे explain कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो p pi bonding है वो ज़्यादा effective है, जो p pi bonding है वो ज़्यादा effective है। और यहाँ पे होती किस तरह से है, क्योंकि हम इसको सिर्फ resonance के basis पे explain कर सकते हैं। क्लोरीन क्या करेगा, बोरोन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जितने भी फ्लोरीन एटम है वो सारे क्या करते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें यहाँ पे रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण जो लुईस एसिड करैक्टर है BF3 मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर मैं BBr3 BCl3 जो मेरे पास इस टाइप के मॉलिक्यूल है उनकी बात करूँ, वहाँ पे क्या है कि क्लोरीन के केस में 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, और ब्रोमीन के केस में क्या होती है, 4p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। सो BCl3 और BBr3 केस में वहाँ पे इफेक्टिंग ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एंड 4p ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन। जो क्लोरीन की 3p ऑर्बिटल है हैव हायर एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल देन टू पी ऑर्बिटल ऑफ बोरेन। जो 2p ऑर्बिटल है बोरोन की, उनके बीच में क्या है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, क्योंकि उन सब का क्या जो साइज है, या जो 3p ऑर्बिटल है और जो 4p ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, उसकी एनर्जी क्या वहां पे ज्यादा है। सो यहां पे जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है BF3 के केस में क्या सबसे ज्यादा है, BCl3 के केस में क्या स्मॉल है, और यहां पे बहुत ही स्मॉल है, मिनिमल। सो ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, ये ऑर्डर आएगा, BBr3 क्या है, सबसे ज़्यादा लुईस एसिड है, देन BCl3, आफ्टर दैट BF3। इसमें जो लुईस एसिड का जो करैक्टर है वो चेंज हो जाएगा, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं रेजोनेंस के बेसिस पे। इसके बाद हमारे पास थर्ड इफेक्ट आता है, स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। कि जैसे मेरे पास BF3 हो गया, या BCl3 हो गया, या BH3 है मेरे पास, बोरेन है, या हम लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की बात करेंगे, उसमें अगर हम हाइड्रोजन या जो दूसरे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है बोरेन के पास या नाइट्रोजन के पास, अगर हम उनको रिप्लेस कर देते हैं, तो वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से बैक फोल्डिंग, फ्रंट फोल्डिंग, बी स्ट्रेन, एप स्ट्रेन, कुछ इस टाइप की टर्म इन्वॉल्व होती हैं।
सो उसके बेसिस पे अब हम बात करते हैं स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट की। अगर मैं बात करता हूँ सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सो अभी जो हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस जो भी हमने डिस्कस किया है, सो वहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि हम किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ या एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं, सो हम उसको सिर्फ एक सिंगल फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कहीं मैंने साइज का इफेक्ट बताया, कहीं मैंने साइज के साथ साथ मैंने कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर किया है, कहीं पे मैंने रेजोनेंस को कंसिडर किया है। सो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए उसकी जो लुईस एसिडिटी या लुईस बेसिटी का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ता है, और इसी में स्टीरिक फैक्टर भी हमारा एक हेल्प करता है उसमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जो हम बात कर रहे हैं स्टीरिक फैक्टर की, हम बात कर रहे हैं स्टीरिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जस्ट ए सेकेंड। हम बात कर रहे हैं स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसमें मैं तीन पहले लुईस बेस लूंगा पिरिडीन, पिकोलिन, 2-picolin एंड 4-picolin। सो दिस वन इज ये क्या है, पिरिडीन है। पिरिडीन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट कर सकता है। सो दिस वन एक्ट एज एन लुईस बेस। इसके बाद मेरे पास है टू पिकोलिन, ये सब्स्टिट्यूटेड है इसलिए हम टू पिकोलिन बोलते हैं, और इसके बाद है मेरे पास फोर पिकोलिन। अब मुझे ये बताना है कि इनकी मैं अगर मैं लुईस बेसिटी या लुईस एसिडिटी को कंसीडर करता हूँ, सो मैं उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो मेरे पास एसिड है वो क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, सेम लुईस एसिड लुईस बेस के साथ रिएक्शन करेगा और लुईस बेस लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ये सारे क्या है, लुईस बेस हैं। अगर मुझे लुईस बेस की बेसिटी चेक करनी है तो मैं उसको लुईस एसिड के साथ कंबाइन करके चेक करता हूँ। कंबाइन करने के पे जो अडक्ट जितना इजिली फॉर्म होगा या जो अडक्ट बनने की एनर्जी जितनी ही ज़्यादा होगी वहाँ पे, वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, उतना ही स्टेबल होगा। और मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होगा मीन्स लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो रिएक्शन हुई है उतनी इफेक्टिव हुई है। सो मैं इन सभी को BMe3 के साथ अडक्ट फॉर्मेशन करता हूँ। BMe3 क्या मेरे पास, BMe3 क्या है, लुईस एसिड है। सो इसके केस में जो अडक्ट की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 71 एंड एयर इज 42 एंड एयर इज 76 किलो जूल पर मोल। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि लुईस बेस को मैं लुईस एसिड के साथ अडक्ट फॉर्मेशन करता हूं, और अडक्ट फॉर्मेशन में जो अडक्ट बॉन्ड एनर्जी है जितनी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल की जो लुईस एसिड है उसका जो लुईस बेस, इसका जो लुईस बेस करेक्टर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टीरिक फैक्टर की, कि स्टीरिक फैक्टर कैसे काम करता है। जब लुईस एसिड लुईस बेस के साथ या लुईस बेस लुईस एसिड के साथ अडक्ट फॉर्मेशन करेगा, सो वो किस तरह से करेगा, जैसे मैं 2-picolin से समझाता हूँ क्योंकि हमें स्टीरिक फैक्टर को कंसिडर करना है। सो 2-picolin की अगर मैं बात करता हूँ, 2-picolin का स्ट्रक्चर किस तरह से है, इस तरह से है। यहाँ पे क्या लोन पेयर, ये इस तरह से, यहाँ पे क्या मिथाइल ग्रुप है, ये क्या करेगा बेस के साथ, सॉरी जो लुईस एसिड है मेरे पास, ये क्या लुईस बेस है, लुईस एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा या अडक्ट फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या है BMe3 है ना, CH3 और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। सो अगर आप ध्यान से देखो 2 picolene के केस में जो अडक्ट फॉर्मेशन है, जो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, वो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो यहाँ पे 2 picolene और ट्राईमिथाइल बोरेन के बीच में जो अडक फॉर्मेशन है, उस केस में जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम है, 42 किलो जूल पर मोल। सो इस केस में जो 2 picolene है वो क्या है, सबसे वीक लुईस बेस है। बट अकॉर्डिंग टू प्लस आई फैक्ट के बेस पे क्या होना चाहिए था, इसका क्या प्लस आई फैक्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए था, 2 picolene होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है और यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं। सो ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस जो 2 picolene है वो सबसे वीक लुईस बेस है, ये सबसे वीक लुईस बेस है, फर्स्ट वन ये, सबसे पहले क्या आएगा 4 picolene, देन पिरिडीन, देन 2 picolene, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, जो स्टीरिक फैक्टर की वजह से जो 2 picolene है उसका जो लुईस बेस करेक्टर है वो सबसे कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जो CH3 ग्रुप है वो एक दूसरे के सेम साइड है, इसलिए हम इस फैक्ट को बोलते हैं फ्रंट और एब्स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं फ्रंट इफेक्ट या फ्रंट फोल्डिंग और एब्स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल में क्या है, फ्रंट साइड से मॉलिक्यूल ने क्या किया, उसकी जो लुईस एसिडिटी या जो उसके लुईस, जो यहाँ पे 2 picolene था उसके लुईस बेस करेक्टर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, क्योंकि उसने लुईस एसिड के साथ स्ट्रॉन्गली अडक्ट फॉर्मेशन नहीं किया। अगर वो स्ट्रॉन्गली अडक्ट फॉर्मेशन करता तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो एनर्जी ज़्यादा होती, लेकिन 2 picolene के केस में एनर्जी क्या वहाँ पे सबसे कम है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट स्ट्रेन। ऐसे ही हमारे पास बैक स्ट्रेन के भी एग्जांपल हैं। बैक स्ट्रेन के केस में क्या है हमारे पास, जैसे अगर मैं बोरोन की बात करता हूं, अगर मैं बैक स्ट्रेन की बात करता हूं, बैक स्ट्रेन के केस में क्या है कि हमारे पास बोरोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। बोरोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बोरोन पे अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई बल्की ग्रुप लगा देता हूं, अगर मैं बोरोन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बल्की ग्रुप लगा देता हूं और उस बल्की ग्रुप को जो मेरे पास लुईस एसिड है उसकी मैं लुईस बेस के साथ अडक फॉर्मेशन करता हूं और वहां पे अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मीन्स पहले क्या है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, जो मेरे पास, जैसे अगर मैं बात करता हूं मेरे पास बोरेन है कोई भी, degree एंगल है और क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन मैं अगर R ग्रुप को रिप्लेस करके यहां पे ट्राइमिस्टाइल में चेंज कर देता हूं, ट्राइमिस्टाइल ग्रुप होता है हमारे पास और मैं इसकी कोई मेरे पास लुईस बेस है R3N उसके साथ अडक्ट फॉर्मेशन करता हूं, दिस वन इज द लुईस बेस के साथ मैं इसकी अडक्ट फॉर्मेशन करता हूं। अडक्ट फॉर्मेशन कैसे होती है, R3B N R3। लेकिन यहां पे जो बोरेन में जो R ग्रुप है वो ये ग्रुप है, तो उस केस में होगा क्या, जैसे मेरे पास यहाँ पे बोरोन है, ठीक है,
ये मेरे पास बल्कि ट्राईमिस्टाइल बोरेन है, इसको हम बोलते हैं ट्राईमिस्टाइल बोरेन, और मैं इसकी अडक्ट फॉर्मेशन कर रहा हूँ ट्राई अल्काइल बोरेन के साथ, सॉरी ट्राई अल्काइल अमाइन के साथ। वैसे तो ये कैसा है मॉलिक्यूल, प्लेनर होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 48 मिनट्स होता है, और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो इस केस में यहाँ पे क्या होती है, बैक स्ट्रेन होती है मॉलिक्यूल में, क्या है बैक स्ट्रेन। ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे कैन के बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस है, स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये ग्रुप इस साइड मूव कर जाते हैं, और जब ये ग्रुप इसको क्या कर रहा है, इधर पुश कर रहा है, सो हम इस टाइप की स्ट्रेन को बोलते हैं बैक स्ट्रेन या बी स्ट्रेन, हम इसको बैक फोल्डिंग भी बोलते हैं। इसको हम बैक फोल्डिंग भी बोलते हैं या हम उसको बैक स्ट्रेन भी बोलते हैं, बैक स्ट्रेन, बी स्ट्रेन या बैक फोल्डिंग, क्योंकि पीछे से मॉलिक्यूल उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। सो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास बोरोन मॉलिक्यूल है उसका जो लुईस एसिड क्रैक्ट है या जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सो लुईस एसिड स्ट्रेंथ वहां पे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, अगर बोरोन में जो आर ग्रुप है वो बल्कि आर ग्रुप हो। वैसे तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, वैसे भी वो उसकी जो लुईस एसिड स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, वहां पे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो बल्कि ग्रुप है जैसे ट्राइमिस्टाइल हो गए, इस टाइप के जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, मोलिकुल को फोल्ड बैक कर देते हैं, और जब मोलिकुल फोल्ड बैक होगा तो उसमें बी स्ट्रेन या वहां पे बैक स्ट्रेन आ जाएगी। ऐसे ही हम एल्काइन की अगर मैं बात करूं, ये तो आपने बोरेन देखा, एल्काइन में भी अगर मैं आर ग्रुप को चेंज कर देता हूं, जैसे यहाँ पे ये ट्राई अल्काइल अमाइन था, अगर मैं आर ग्रुप को चेंज कर देता हूं, आर ग्रुप को अगर मैं वहां पे चेंज करके ट्राई सिलाइल हाइड्राइड, ट्राई सिलाइल हाइड्राइड अगर मैं वहां पे लेता हूं, तो उस केस में भी क्या होगा, मॉलिक्यूल में बैक स्ट्रेन आएगी। वैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, लुईस इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और यहां पे क्या होता है, sp3 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर मैं आर ग्रुप को वहां पे बल्किनेस बढ़ा दूं, अगर आर ग्रुप में मैं वहां पे बल्किनेस बढ़ा देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इस तरह के एग्जांपल भी हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं, तो हमने बात की थी बोरोन मॉलिक्यूल की, अब हम बात करते हैं, ये हमने लुईस एसिड की बात की थी, अब हम लुईस बेस में बात करते हैं कि अगर वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस आती है तो मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मेरे पास ये है, एक तो मेरे पास ये है और एक मेरे पास मॉलिक्यूल है ये, तो इस केस में तो क्या होगा, लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, लेकिन इस केस में क्या होगा, मैं आर से दिखा रहा हूं उसको, आर ग्रुप यहां चला जाएगा, और जो ये पी ऑर्बिटल है इसमें एक ये प्योरली पी ऑर्बिटल होगी, जिसके अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, प्योरली पी ऑर्बिटल हैविंग
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इतने पास पास होते हैं उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी सो जो रिंग है या जो उसका बॉन्ड एंगल है वो ओपन अप हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, वैसे तो टेट्राहेड्रल है 109 डिग्री 25 या कितना 109 डिग्री 5 मिनट्स के राउंड होता है, लेकिन फिर वो चेंज होके 120 डिग्री पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 डिग्री और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे वो चेंज हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल ये है मेरे पास और एक मॉलिक्यूल ये है, इसका जो लुईस बेस करेक्टर है वो कम है एज कंपेयर टू दिस वन। जो इसका लुईस बेस करेक्टर होगा यहाँ पे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज स्ट्रेन है वो ज्यादा है, पुअर डोनर ड्यू टू लार्ज बी स्ट्रेन, इसका जो डोनर की जो पॉसिबिलिटी होगी वहां पे कम होगी। इसके बाद एक एग्जांपल और दिया हुआ है बुक में, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, ट्राईथाइल अमाइन और क्विनसिलिडिन। क्विनसिलिडिन और ट्राईथाइल अमाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों की जो बेसिसिटी है जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर को देखते हैं तब वो सेम है, लेकिन अगर मैं उसकी बेस की जो लुईस बेस है उसकी लुईस एसिड के साथ अडक्ट फॉर्मेशन करता हूँ, सो अडक्ट फॉर्मेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे जो उसकी अडक्ट फॉर्मेशन या जो अडक्ट बॉन्ड एनर्जी है वो डिफरेंट आती है। सो वहाँ से हम कंसिडर करते हैं कि जो उसका लुईस बेस करेक्टर है वो अलग है, क्योंकि एक्चुअल में भी क्या है कि जो लुईस मेरे पास बेस है अगर उसको कहीं पे एज ए बेस एक्ट करेगा मीन्स वो एसिड के साथ कंबाइन होगा, और एसिड के साथ कंबाइन होगा सो वहाँ पे एसिडिटी जो हम उसकी बात कर रहे हैं हम उसको उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि वो लुईस बेस है या लुईस एसिड है। सो मेरे पास ट्राईथाइल अमाइन, मेरे पास तो क्या एक तो है ट्राईथाइल अमाइन और एक है मेरे पास क्विनसिलिडिन। क्विनसिलिडिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास क्विनसिलिडिन है, यहां पे क्या नाइट्रोजन है, और ट्राईथाइल क्या है ये मेरे पास ट्राईथाइल अमाइन है, लेकिन जब मैं इसको बोरोन के साथ रिएक्शन करता हूं बोरोन में मेरे पास क्या होंगे तीन होंगे, तीन सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेम यहां पे होंगे इस तरह से, क्योंकि बोरोन कैसा होता है प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज फॉर्म में रहेगा। यहां पे तो क्या है इनके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, लेकिन यहां पे क्या है यहां पे तो कुछ है ही नहीं, नो स्टीरिक हिंड्रेंस, और जो इसकी अडक्ट बॉन्ड एनर्जी होगी इसके केस में तो होगी 84 एंड यहाँ पे होगी 42। 84 मीन्स हायर स्टेबिलिटी एंड 42 मीन्स लोअर स्टेबिलिटी। हायर स्टेबिलिटी एंड यहाँ पे क्या होगी लोअर स्टेबिलिटी। सो दिस वन इज द स्ट्रोंगर
लुईस बेस, और ये क्या होगा वीकर लुईस बेस। आपने देखा कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है वो भी एक मेन रोल प्ले करता है लुईस एसिड या लुईस बेसिटी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुश करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बी स्ट्रेन आ जाएगी, कंजेशन बढ़ गया, कंजेशन बढ़ गया या वहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई। इस तरह के जो फैक्टर क्या करेंगे वो बेस के साथ अप्रोच ही नहीं करने देंगे, जो अमाइन है वो इजीली जो अमाइन है वो बेस है वो बेस क्या करेगा लुईस एसिड को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, और जब वो लुईस एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं करेगा तो अपनी वो लुईस बेसिसिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। उसका जो लुईस बेसिक करेक्टर है वहां पर वो क्या करेगा वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन इस केस में कोई भी बी स्ट्रेन नहीं है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल है वहां पे उसकी हायर स्टेबिलिटी है। हमने अभी जो टॉपिक किया वो क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, जो हमारा टॉपिक था वो था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड्स या लुईस बेस, हमने दोनों को एक्सप्लेन किया है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड एंड बेसिस, लुईस एसिड और लुईस बेस के हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस किया है। जो हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ की हमने बात की, हमने वो इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे हमने बात की थी, सिंपल कंसेप्ट था। उसके बाद हमने रेजोनेंस का फैक्टर को डिस्कस किया। रेजोनेंस के फैक्टर की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आप सब ने देखा कि BCl3, BBr3, BF3 जो हमारे पास मॉलिक्यूल थे, BF3 के केस में क्या था रेजोनेंस था, BCl3, BBr3 केस में था जो रेजोनेंस इतना इफेक्टिव नहीं था, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल की स्टेबलाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जब मॉलिक्यूल ही स्टेबलाइज नहीं है सो वहाँ पे जो उसका लुईस एसिड करेक्टर क्या होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद हमने स्टीरिक हिंड्रेंस की बात की, स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस हमने 2 picolin, pyridine, 4 picolin को डिस्कस किया, 4 picolin को डिस्कस किया, हमने फ्रंट स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया, हमने ट्राइमिस्टाइल बोरेन की ट्राई अल्काइल अमाइन के साथ अडक्ट फॉर्मेशन की एनर्जी के साथ डिस्कशन किया, और हमने ट्राईमिथाइल अमाइन एंड जो अमोनिया मॉलिक्यूल था उसमें हाइड्रोजन को कोई दूसरे डिफरेंट आइटम से रिप्लेस करके हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि जो उसकी जो वहाँ पे ज्योमेट्री है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है या वहाँ पे जो कंजेशन है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बी स्ट्रेन आ जाती है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था हमने डिस्कस किया ट्राईथाइलामीन और क्विनसिलिडीन को, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया ट्राईथाइलामीन और क्विनसिलिडीन। ट्राईथाइलामीन में बैक स्ट्रेन है, कंजेशन भी है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी है, इसका जो लुईस बेस करेक्टर है वो कम है, लोअर स्टेबिलिटी है ओनली विद 42 kJ पर मोल अडक्ट बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पे कितनी है 84 अडक्ट बॉन्ड एनर्जी है, 84 kJ पर मोल अडक्ट बॉन्ड एनर्जी है, हायर स्टेबिलिटी है अडक्ट की, और हायर स्टेबिलिटी अडक्ट की तभी होगी जब जो लुईस बेस और जो लुईस एसिड है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तभी बनेगा जब लुईस बेस क्या करेगा स्ट्रॉन्गली लुईस बेसिक एक्ट करेगा। ये हमारे पास जो टॉपिक था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।